बनाना है भारत की भूमि को। अब सोचने का वक्त नहीं धारणा करो, अब सोचने का वक्त नहीं धारणा करो, बहादुरी से माया का सामना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। ओम शांति। एक बहुत बड़े सम्राट के पास एक बहुत शक्तिशाली तलवार थी, पर राज्य में निरंतर शांति थी और राजा अपने ऐशो आराम में खोया हुआ था। इसीलिए वो तलवार कभी भी मैदान में नहीं उतरी, पर उस तलवार की ये बहुत इच्छा थी कि मैं भी लड़ूं, मैं भी अपना पराक्रम दिखाऊं और मैं भी दुनिया को ये बताऊं कि मैं कितनी शक्तिशाली तलवार हूं। परंतु वो निरंतर चुपचाप बंद पड़ी रही और एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस तलवार को बहुत खुशी हुई, अब वो दिन आया जिसका इंतजार था। मैं भी रणभूमि में जाऊंगी और मैं भी युद्ध करूंगी और विजयी बनूंगी और विजय का पताका लेकर ही आऊंगी। युद्ध छिड़ गया। पहला दिन, क्योंकि वो तलवार राजा की थी, पहले ही दिन राजा युद्ध में नहीं गया। बाकी सैनिक, बाकी सिपाही, बाकी सारे योद्धा युद्ध में उतरे। घमसान युद्ध हुआ और शाम के वक्त जब उस तलवार ने ये सब देखा क्या क्या हुआ है रणभूमि में, वो तलवार बहुत दुखी हो गई ये देखकर। इतना रक्तपात, कितने लोग मर गए, चारों ओर आंसू है, मातम है, दुख है, दर्द है, विलाप कर रही माताएं हैं, पत्नियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। युद्ध का यह भयानक रूप देखकर आक्रांत, बहुत दुखी उस तलवार ने सोचा कि युद्ध बहुत खराब चीज है, चाहे कोई भी जीते परंतु मरते तो लोग हैं। और उसने ये संकल्प कर लिया कि कैसे भी करके मुझे इस युद्ध को रोकना है। परंतु वो तलवार क्या कर सकती थी, दूसरे दिन फिर युद्ध होने वाला है। रात को उस तलवार ने एक युक्ति सोची और वो युक्ति थी हिलना, वाइब्रेशन। तलवार हिलने लगी और उसको देखकर बाकी तलवारें भी हिलने लगी और बाकी युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब हिलने लगे। और उन सभी अस्त्रों के हिलने से बहुत आवाज होने लगी रात भर। ये प्रोटेस्ट था, एक विद्रोह। उस तलवार ने कहा कि हम रात भर इसी तरह आवाज करते रहेंगे ताकि जो सैनिक सो रहे हैं वो सो ही ना पाए रात भर, ताकि जब सुबह दिन होगा तो सबको नींद बहुत आएगी, फिर युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो रात भर सारे अस्त्र शस्त्र, तलवारें, भाला, सब कुछ जोर जोर से हिलने लगते हैं और ये हिलने की आवाज दूसरे शत्रु पक्ष तक पहुंचती है और वहां के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध में साथी बन जाते हैं। तो दोनों पक्ष के जितने अस्त्र शस्त्र है सब हिल रहे रात भर और आवाज कर रहे। सारी रात सैनिक सो नहीं पाते। सुबह जब होती है युद्ध का समय, तब उन सबको नींद आती है, सोचते हैं आज नहीं कल युद्ध करेंगे। दूसरे दिन रात फिर सारी तलवारें फारे, सारे अस्त्र शस्त्र हिलने लगते हैं।
फिर सो नहीं पाते। ऐसा करते करते 7 दिन तक वो सभी अस्त्र शस्त्र हिलने रहते, हिलने की आवाज करते हैं, जिससे कोई भी सो नहीं पाता। और युद्ध अगले दिन टलता जाता है। 8वें दिन दोनों राजा सोचते हैं ये क्या हो रहा है, और वो दोनों मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो ये सारी बातों की चर्चा करते हैं कि हमारे पक्ष के सभी शस्त्र हिलते हैं रात में। वो कहता है हमारे इधर भी यही हाल है और हम सो नहीं पाते। और दोनों की लंबी बातचीत चलती है और बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर युद्ध हमेशा के लिए टल जाता है और दोनों ही पक्षों की विजय हो जाती है। हमारा भी माया के साथ युद्ध है, संग्राम है। और जितना तेजी से लड़ो, जितना होशियारी से लड़ो, जितना आक्रामक होकर लड़ो, उतना माया और शक्तिशाली बनती जाती है। क्या और भी कोई मार्ग है जिससे बिना लड़े ही माया को पराजित किया जाए? माया से युद्ध है। वी आर एट वॉर विथ माया। और ये लड़ाई दिन रात की है, एक दिन दो दिन की नहीं, दिवस रात्र महायुद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। दिन रात हमको युद्ध का ही प्रसंग है। दिन रात हर समय माया का आक्रमण है। कब तक लड़े, कब तक ये लड़ाई जारी रखे? लड़ते लड़ते कई बार ब्राह्मण आत्मा थक जाती है, हार जाती है, माया के वशीभूत हो जाती है। और कोई कोई तो इस ज्ञान को ही छोड़कर चले जाते, कोई कोई पुरुषार्थ को छोड़कर चले जाते, कोई कोई ब्राह्मण तो रहते हैं परंतु योग मुक्त और ज्ञान मुक्त ब्राह्मण बन जाते हैं, अर्थात माया युक्त ब्राह्मण। तो माया की इस लड़ाई में माया से हम कैसे जीते? क्या माया के साथ कुछ करें या और कोई मार्ग है? जितना लड़ाई करते हैं माया हमारी एक एक नई कमजोरी को हर एक एक दिन खोज लेती है। जिस कमजोरी को हम जीत लेते हैं अगले दिन माया एक नई कमजोरी को ढूंढती है। तो ये युद्ध आखिर कब तक? बाबा ने कहा एक दिन तुम माया को जीत लोगे, सारे विकार, सारी कमजोरियां, सारी खामियां खत्म होगी। और ये भट्टी का एक लक्ष्य है, सभी जो यहां बैठे हैं निर्विकार हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, माया जीत बन जाए। तो क्या करें? तो इस माया को जीतने की हम आज की इस क्लास में ऐसी कुछ बातें देखेंगे, ऐसी कम से कम 10 विधियां जिससे हम माया को हरा सके। सबसे पहला चक्र। माया को हराने के लिए क्या चाहिए? चक्र चाहिए। महाभारत में दिखाया है जब शिशुपाल 100 गालियां देता है श्री कृष्ण को और पूरी करता है, तब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका गला काट देते हैं, क्योंकि उसे केवल 100 गालियां माफ थी। जब जब असुरों का प्रादुर्भाव, असुरों की आसुरी वृत्ति बढ़ती है, ऐसा दिखाया गया है कि भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं
और उसका गला काट देते हैं असुरों का। हमें भी एक चक्र धारण करना है और वो चक्र है स्वदर्शन चक्र। एकांत में जाकर बैठकर चिंतन करना है कि मैं आत्मा क्या थी और क्या बनी हूं। सबसे पहला परमधाम का रूप, बिंदु रूप, ज्योतिर्मयी, प्रकाशमयी, निर्लेप, निराधार, निरसंकल्प, निर्बंधन, निर्वाण, निज स्वरूप में स्थित मैं दिव्य चेतना, अपने परमधाम के रूप का चिंतन करना। चिंतन करते करते ही आत्मा देहभान से ऊपर निकल जाती है। दूसरा, मैं दिव्य देवता हूं, देवत्व से भरपूर, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र हूं, अपने देव रूप का चिंतन। तीसरा, मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो मैं हूं, भाइयों के लिए गणेश, हनुमान, माताओं के लिए सारी देवियां। चौथा, संगम योगी ब्राह्मण, नया जन्म है, पुरानी कोई भी बात इसमें नहीं रहनी चाहिए। सबसे अधिक भाग्यशाली, कल की मुरली में है, अगर तुमसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई है तो जाओ ढूंढ कर लेकर आओ बाप के सामने, कोई भी नहीं है। और अंतिम स्वरूप है फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूं, हड्डी मांस जिसके नहीं है, देह में जिसकी कोई आकर्षण नहीं, जो आकाश में उड़ता है, ऐसा मैं फरिश्ता हूं। तो माया का गला काटना है, माया को पराजित करना है। डायरेक्ट आक्रमण करेंगे, भिड़ जाएंगे माया के साथ तो हारेंगे, वही किया है अब तक। माया इस रूप में आती है, उस रूप का सोचते सोचते ही माया आ जाती है, माया के विरुद्ध प्लानिंग बनाते बनाते ही माया आ जाती है। क्रोध आया, क्रोध आया, सोचते क्रोध क्यों आया, नहीं आना चाहिए, और क्रोध के विषय में चिंतन करते करते फिर क्रोध आ जाता है, उसी स्वरूप में फिर स्थित हो जाते हैं, फिर हार होती है। काम क्यों आया, कहां से आया, ये काम महाशत्रु है, फिर से काम के चिंतन करते करते काम में फिर से आकर्षण हो जाता है। इसके लिए डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया जा सकता है विकारों पर, कोई और मार्ग चाहिए। जब जब डायरेक्ट आक्रमण किया है हार हुई है। अपरोक्ष मार्ग कभी भी काम नहीं करेगा, परोक्ष इनडायरेक्ट मार्ग निकालना पड़ेगा, और वो है माया के साथ कुछ भी नहीं करो, जो करना है अपने साथ करो यहां बैठकर। उसके साथ लड़ाई की तो लड़ाई में ही उलझ जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है, इसको समझना है। जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वो चीज हमें आकर्षित करती जाती है। एक व्यक्ति लोभी है, उसको धन से लोभ है, बहुत सोचता है मुझे निर्लोभी बनना है, निर्लोभी बनना है, निर्लोभी बनना है, और फिर धन की ओर आकर्षित होता है। सन्यासी सोचता है द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, ये नारी नरक का द्वार है, इसे दूर रहना चाहिए। वो उसे दूर जंगल में जाता है, परंतु वहां भी उसके आकर्षण से छूटता नहीं है। दिखाया है शास्त्रों में अप्सराएं, कौन है अप्सराएं, कोई थी क्या ऐसी, कोई अप्सराएं कहीं नहीं थी। मन का प्रक्षेपण है, विक्षिप्त मन का, इधर की इमेजेस बाहर प्रोजेक्ट आरोपित हो रही है किसी स्क्रीन पर, वही बाहर निकल रहा है। दमित इच्छाएं, दमित भावनाएं, सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड डिजायर्स, इसके लिए वो भी मार्ग नहीं है।
तो डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया जा सकता है, पहला। दूसरा, उनसे अगर दूर भाग जाओ तो जहां जाओगे वो विकार वहां आकर सताते हैं, तो क्या किया जाए? बंदी बनाओ विकारों को तो बदला लेते हैं, जबरदस्ती करो, जिस दिन अवसर मिल गया उस दिन गिरा देते। जो भी मेथड्स आज तक ट्राई की, ऐसा नहीं कि केवल हम ही धरती पर हैं जो विकारों को जीतने की कोशिश कर रहे। द्वापर से योगी, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधु, संत, फकीर, सब ने प्रयत्न किया है इन विकारों पर जीतने का, पर बहुत कम सफल हुए। शायद मार्ग गलत था। अगर क्रोध को लिया जाए तो क्या संसार में एंगर मैनेजमेंट कराने वाले नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स कराते हैं जिनका ब्रह्मा कुमारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें भी पता है क्रोध बहुत खराब है, बहुत सी विधियां सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य की किताबें जितनी बाहर की जगत में है उससे तो बहुत कम ब्रह्मा कुमारीज में है। शायद कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। विकारों को जीतना तो सभी चाहते हैं, परंतु मार्ग ही गलत है। उस मार्ग से उसे नहीं जीता जा सकता जिस मार्ग से हम कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि काम को जीतू, काम के विषय में पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते ही आकर्षित हो जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कैसे जीतू सोचता है, पर अहंकार ऐसा है कि उसका पीछा नहीं छोड़ता लास्ट तक। यदि विकारों का एक सर्कल है, सब विकार उस सर्कल में है और हम भी सर्कल के अंदर है, उस चक्र के अंदर, चक्र के अंदर जो है उनको नहीं जीता जा सकता है। मार्ग कुछ और होना चाहिए, कहीं और जाओ चक्र के बाहर और फिर उसको जीतो। तो सबसे पहली विधि जो बताई वो है सुदर्शन चक्र घुमाना। हम माया के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, माया यहां खड़ी है, हम यहां, उसको हमने अवॉइड किया है, देखा भी नहीं उसकी तरफ, पांचों ही विकार खड़े हैं और हम यहां क्या कर रहे हैं, उससे लड़ाई नहीं कर रहे, उससे दूर भी नहीं भाग रहे, उसको कुछ भी नहीं कर रहे, वो बस खड़ा है विकार रावण, और हम क्या कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। उस चक्र में इतना तेज है, उतनी शक्ति है कि सूक्ष्म रूप से वो चक्र जाएगा और माया का गला काट देगा। इसके लिए जब जब समय मिले एकांत में बैठकर चक्र घुमाना है, क्योंकि इस माया को वैसे नहीं जीता जा सकता। माया बहुत 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 शक्तिशाली है। अगर किसी को जीतना है तो शत्रु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, शत्रु को कम नहीं समझना। रावण की सबसे बड़ी भूल यही थी कि राम मनुष्य है, वो क्या मुझे मारेगा, वो वानर क्या मुझे मारेंगे। पता चला राम समुद्र के उस पार तक आ गया है, आने दो, इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग कर आएगा। लांग कर भी आ गए वानरों ने और राम जी ने सेतु बांध दिया, उससे क्या होता है, आने दो, मेरी इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी लंका है। एक एक करके अपने पुत्रों को भेजा, सातों के सातों पुत्र मारे गए, फिर भी कहता रहा यह तो साधारण सा पुरुष है। भाई को भेजा, कुंभकर्ण मारा गया, फिर भी कहता था कि ये कोई साधारण नहीं है, और लास्ट में वो खुद भी मर गया। अपने शत्रु को बहुत छोटा समझा उसने, ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इसके लिए यहां पर भी माया को छोटा नहीं समझना है, बहुत शक्तिशाली है माया। शत्रु को समझना, शत्रु की शक्ति को समझना, शत्रु की कमियों का चिंतन, शत्रु की भी कुछ ना कुछ तो कमी होगी ही, जब तक वो नहीं जानते तब तक हम उससे जीत नहीं सकते। जैसे दिखाया है नेपोलियन बोनापार्ट,
ऐसा कोई नहीं था नेपोलियन को जो हरा सके. इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है, कहने वाला नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया. कैसे आश्चर्य है, जिसे कोई हरा नहीं सका वो भी हार गया. कैसे हार गया वो? नेपोलियन जब 6 मास का था, पालना में था, एक बिल्ली ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जंगली बिल्ली. पर उसकी दाई वहां आ गई, इसके लिए बिल्ली उसे कुछ ना कर पाई. पर वो भय उसके अंदर ऐसा समा गया कि जीवन पर्यंत वो बिल्लियों से डरता रहा. और लास्ट युद्ध जो था उसके जीवन का, वाटरलू का, उसके दुश्मनों को पता चल गया कि इसको बिल्ली से भय है. इसलिए जैसे ही युद्ध चालू हुआ, कहा जाता है उसका दुश्मन 70 बिल्लियों को लेके आया और सभी बिल्लियों को नेपोलियन पर छोड़ दी. और वो इतना भयभीत हो गया क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो भय है बिल्ली का. वो शेर से लड़ सकता था पर बिल्ली से हार गया. एंड दैट वॉज द फॉल. नहीं तो नेपोलियन विश्व सम्राट होता उस समय, इतना वो ताकतवर था. पर उसके दुश्मन ने उसकी एक कमी को पहचाना और उसको पराजित कर दिया. उसी तरह हम भी अपने दुश्मन को जाने पहचाने, उसको कमजोर ना समझे और उसकी कमी क्या है वो ढूंढ ले, ताकि हम उसको हरा सके. तो हर एक को सारे दिन भर बीच बीच में चक्र घुमाते रहना है, चाहे माया सामने हो या ना हो. जरूरी नहीं है कि माया जब आएगी तब चक्र घुमाना है, क्योंकि ये माया कोई दिखती थोड़ी ना, सब कुछ अदृश्य है. यहां पर कभी भी आ सकती है. यहां बैठे बैठे ही मन कहीं और चला जाए, किसी एक विकार की स्मृति, किसी भोग की स्मृति, अचानक वो चेहरा सामने आ जाए जिसने हमें बहुत दुख दिया जीवन में, जिसने बहुत कटु शब्द बोले, तो यहां बैठे बैठे ही संपूर्ण स्वरूप परिवर्तित. अब तक बैठे थे भट्टी करनी है, अब शत्रुता का भाव जाग गया. स्मृति का खेल है, स्मृति और विस्मृति. एक भाई ने अनुभव सुनाया था, बाबा से मिलने गया, बहुत खराब अनुभव है. 5 दिन 4 दिन मौन रखा, सारी क्लासेस सुनी शांतिवन में, तपस्या कर रहा है, भगवान से मिलन मनाने गया है, डायमंड हॉल में बैठा है, बाबा आए हैं. और उसके मन में आया विचार, कितनी शुभ घड़ी है, भगवान से मिलन हो रहा है. और उसको लगा कि मेरे हाथ में एक बंदूक है और जितने लोग यहां बैठे हैं सबको मार दूं. वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो मैंने क्या सोच रहा हूं, मैं भगवान से मिलन मनाने आया हूं. पर वो विचार ने उसको ऐसा पकड़ के रखा 4 घंटा कि राइफल लू और यहां पर जितने लोग हैं सबको मार दूं. और बाबा मिलन हो गया. उसके बाद मैं सोचने लगा, ये क्या हो गया, कहां से आ गया ये विचार. जरूर कहीं सबकॉन्शियस माइंड में छिपा था, अचानक वहां से निकल पड़ा. कहीं पर भी आ सकता है, भट्टी में, मधुबन में, मृत्यु के समय. इसलिए सबसे पहली विधि है माया को जीतने की, चक्र फिराते रहना. दूसरी विधि मंत्र. पहला चक्र और दूसरा मंत्र. कौन सा मंत्र दिया है बाबा ने? एक मनमना भव, दूसरा मध्याजी भव, तीसरा मंत्र मामे कम याद करो, चौथा मंत्र ओम शांति, पांचवा मंत्र मेरा बाबा, छठवा मंत्र बाबा,
केवल एक ही शब्द। अगला मंत्र हम सो सो हम, अगला मंत्र अब घर जाना है, अगला मंत्र हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अगला मंत्र हुक्मी हुकुम चला रहा है। कितने सारे मंत्र है, ढेर सारे मंत्र दिए हैं। और मंत्र को क्या किया जाता है, जाप जाप जाप। कितनी बार जाप करते हैं भक्त, कितनी बार करते हैं 108 बार, एक बार कितनी बार जाप करते हैं बहुत सारा जाप करते हैं। ठाकुर हरिदास थे कभी 17वीं शताब्दी या 15वीं 16वीं शताब्दी में, उसका नियम था एक दिन में 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। कितनी बार, 3 लाख, मतलब दूसरा कुछ करना ही नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिखाया है उसके दुश्मन ठाकुर हरिदास मुस्लिम परिवार से था और कृष्ण भक्त बन गया, इतना भयंकर विरोध मुस्लिम समाज से, इस्लाम में जन्म लेकर कृष्ण की पूजा, बहुत विरोध हुआ बहुत विरोध हुआ। किसी एक शेख को पता चला, उसने सब कोशिशें की नाकाम रहा, उसको इतना मारा, सड़क पर लहूलुहान कर दिया, फिर भी वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर सोचा अब इससे काम नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। एक वेश्या के पास गया और उस वेश्या को कहा कि इसके पास जाओ, तुम ही कुछ कर सकती हो। उसका नाम था हीरा। वो हीरा बाई ठाकुर हरिदास के पास आती है, तब वो जाप कर रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो कहती है मुझे तुमसे बात करना है। वो कहता है रुको थोड़ा, पहले जाप पूरा करता हूं, तब तक रुकना पड़ेगा। तो वो सुबह आती है, शाम तक रुकी रहती है, फिर पूछती है हो गया क्या। वो कहता है थोड़ा सा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो निरंतर जाप कर रहा है और वो वेश्या बैठी हुई है, और धीरे 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 उसके सानिध्य में रहते रहते उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो हीरा हरि भक्त बन जाती है। और एक दिन दिखाया है चौथे पांचवें दिन वो खुद भी सन्यासी वस्त्र धारण करके है। जिसने उसे भेजा था वो कहता है ये क्या हो गया, इसलिए भेजा था। तो भक्त जाप करते हैं, हमको भी भगवान ने मंत्र दिया है, सबसे बड़ा मंत्र है मन मना भाव। मन मना भाव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, मेरा ध्यान कर मेरा चिंतन कर मुझे नमस्कार कर, हे अर्जुन मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल मेरी शरण आ। तो दूसरी विधि है माया को हराने की। माया के साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं याद का मंत्र जप रहे, एक बाप की याद, द चैंटलेस चैंट, अजपा जाप, बाबा को याद कर रहे मन ही मन कि वो ज्योतिर्मय मैं भी ज्योतिर्मय, जैसा वो है वैसे हम हैं, मिलन हो रहा है उसके साथ। कल की मुरली अव्यक्तवाणी, वो जो ज्ञान स्वरूप मैं भी ज्ञान स्वरूप, वो प्रेम का सागर मैं भी प्रेम का सागर, मिलन हो रहा है। होली के दिन होली मिलन, एक की याद में खो जाओ, अपने आप सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तुम बाप की याद में रहो, भगवान के महावाक्य है, तुम बाप की याद में ऐसा मगन हो जाओ तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, असोच भव, मैं सोचूंगा तुमको क्या करना है कहां रखना है।
जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ. वो कहते हैं कहाँ जाए, लोग पहले ही तुम्हारा बहुत विरोध करते हैं, जहां जाते हैं लोग हमें वहां पर पत्थर फेंकते हम पर. वो कहता है जाओ. वो कहते जाकर हम कहे क्या लोगों को, हमको भाषण देना थोड़ी आता है. हम तो बेचारे गांव के लोग ठहरे. एक एक शिष्य को उसने पकड़ा था. कोई वहां पर मच्छी पकड़ रहा था, उसको कहा इधर देखो फॉलो मी, और वो उसका शिष्य बन गया. कोई वहां पर किराया इकट्ठा कर रहा था टैक्स, उसकी तरफ देखता है कहता है तुम जॉन कम फॉलो मी, और वो उसके पीछे आ जाता है. ऐसे ऐसे उसने एक एक शिष्य को चुना. एक शिष्य को चुनता है, क्या तुमने मुझे स्वप्न में कभी देखा था? वो कहता है कभी नहीं, मैंने तो तुमको देखा नहीं. वो कहता है याद करो उस झाड़ के नीचे जब तुम बैठे थे एक दिन, तुम्हें प्रकाश दिखा था. अचानक उसे याद आता है हाँ दिखा था. और फिर जीसस क्राइस्ट यही वो प्रकाश है, कम फॉलो मी. ऐसे एक एक शिष्य को उसने चुना. भीड़ में से हजारों लाखों लोगों में से केवल 12 लोग चुने, और उनको वो कहता है जाओ मेरा संदेश दे. वो कहते हैं हमको नहीं आता है. वो कहता है गो एंड स्टैंड, तुम केवल जाओ और खड़े हो जाओ सबके बीच. इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर व्हाट टू स्पीक, तुम्हें दिया जाएगा तुम्हें क्या बोलना है. सोच के नहीं जाओ, तुम्हें ऊपर से दिया जाएगा. वो कहता है हमको डर लगता है. वो कहता है जाओ, योर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारे सिर पर जितने बाल है एक एक गिने हुए हैं, कुछ नहीं होगा. दूसरी विधि है मंत्र, मन मना भाव, एक की याद में रहना, एक को याद करते रहना. तीसरी विधि है छत्र, माया को जीतने की तीसरी विधि है छत्र. छत्र अर्थात छत्र छाया, हम भगवान की छत्र छाया में हैं. जहां मैं जा रहा हूं वह छत्र ऊपर है, मुझे भय नहीं, मैं निर्भय हूं. उसकी यादों में खोया हुआ हूं, उसकी छत्र छाया में हूं. जब तक हम उसके छत्र छाया में हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता. बस ये नशा चढ़ा रहे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात. गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे दिन रात एक ही खुमारी चढ़ी है, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात. और कोई भान नहीं है किसी का, और कोई ख्याल नहीं है किसी बात का, एक उसकी याद है बस, एक उसी का सिमरन है बस. ऐसा अलौकिक नशा, ऐसा रूहानी नशा, ऐसी अलौकिक इलाही मस्ती संसार भूला हुआ है. मोहम्मद पैगंबर जब चलते थे तपती भूमि रेगिस्तान में, कहा जाता है बादल उनके ऊपर चलते थे, पर वो बादल किसी को नहीं दिखते थे, केवल उनको दिखाई देते थे. वैसे ही अनुभव करना है कि बाबा क्या है, मेरी छत्र छाया है. जहां मैं हूं वहां वो है, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, सब कुछ मेरा वो ही करता है. हाँ नाम्याची खीर साखतो, चोखो वांची गुरे राखतो. तो अनुभव करना है कि हमारे ऊपर स्वयं भगवान की छत्र छाया है, और जहां वो है हमारे साथ कोई भी अनहोनी हानि हो नहीं सकती हमारी. चौथी विधि है आग, चौथी विधि है आग, फायर. मुरलियों में आता है अगर आग जला के रखो तो कोई भी जंगली जानवर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी जानवरों को आग से भय लगता है. तुम भी पवित्रता की आग अपने हृदय में जला कर रखो तो माया तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकती. कौन सी आग लगानी है? पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित करनी है अपने भीतर अपने अंदर. माया आ भी नहीं सके, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां माया नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं,
सुबह बताई थी 21 प्रकार की पवित्रता, तन मन धन, चलन संबंध संपर्क, बुद्धि संस्कार, तन धन, भावना स्मृति कल्पना, स्वप्न, दृष्टि वृत्ति, दृष्टिकोण, आदते, भावनाएं कल्पनाएं स्मृति और स्वप्न, खाना सुनना लिखना और स्पर्श करना, यह सब कुछ क्या हो? प्योर। जब ऐसी पवित्रता हो तो माया अपने आप ही हार जाएगी, उसके साथ हमने कोई लड़ाई नहीं की। आग जला के रखनी है, आग, फायर। अगली विधि है वास धूप, मुरलियों में आता है वास धूप जलाकर रखो। इस धूप की सुगंध से माया का गला, माया दम घुट कर मर जाएगी। लगन की वास धूप, लगन लग जाए, धुन लग जाए, ओना लग जाए, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन धुन धुन। धुन लग जाती है ना, फिर कुछ भी नहीं सूझता है, बस वही करना है, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जब सोच लिया ये पाना है, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसका लक्ष्य है मुझे फर्स्ट आना है, और कुछ नहीं सोचता है, सब छोड़ देता है। उसको क्रिकेट अच्छी लगती है, नहीं देखता है क्रिकेट, टीवी अच्छा लगता है, टीवी छोड़ देता है, एक ही धुन है बस, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ऐसी धुन लग जाए संपूर्णता की, पवित्रता की, निर्विकारिता की, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ने की, टू बिकम अ स्पिरिचुअल बॉम्ब। कैसा बॉम्ब? जो जहां गिरे विस्फोट कर दे, ऐसा बॉम्ब। लगन की वास धूप, जहां बहुत सारी इच्छाएं हैं वहां लगन नहीं हो सकती, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, सांसारिक इच्छाएं हैं। एक ही इच्छा हो, कौन सी इच्छा हो? एक ही इच्छा हो, और वो इच्छा है इच्छा मात्रम अविद्या, ये इच्छा हो। कौन सी इच्छा? कि मेरी कोई इच्छा नहीं है संसार की, अगर है तो बस एक ही इच्छा है, बाप की याद, बाप समान बनने की, बस। वास धूप। अगली विधि है किला, अगली विधि है किले के अंदर रहना। कौन सा किला? इस संगठन के किले के अंदर। जो इस संगठन के किले के अंदर है वह सुरक्षित है, किले से बाहर माया तोप लेकर खड़ी है, गोला चला देगी। किले के बाहर एक नाखून भी नहीं निकालना, नाखून निकाला तो माया उस नाखून को पकड़ के खींच लेगी दीवार से बाहर। तो बार बार संगठन के बीच में आना, ऐसी कभी भट्टी होती है उसमें आना, सेंटर पर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें आना, कोई विशेष सेवा होती है उसमें सहयोग देना, क्योंकि ये सब करते करते हम इस परिवार के अंदर आ रहे हैं, और ये परिवार ही किला है, अभेद किला, इम्पेनेट्रेबल फोर्ट। माया इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अकेला कोई है तो भय लगता है, अगर दो लोग हैं तो ठीक ठाक लगता है, भय नहीं लगता है। अगर इतने सारे हैं, द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा उतने अच्छे। किला, किले के अंदर रहो, माया जीत। और एक बात, इस किले के अंदर विकर्म नहीं होंगे, इस किले के बाहर जाते ही पाप होते रहते हैं, और ब्राह्मण जीवन में हुए हुए पाप एक का, अज्ञान में एक का एक गुना, और अज्ञान में एक का 100 गुना, पाप भी और पुण्य भी दोनों। अगली विधि है दो पहरेदार, दो पहरेदार लगा के रखने। कौन से? अटेंशन और
चेकिंग, बार बार अटेंशन, बार बार सावधान सावधान सावधान। वो दिखाया है महाराष्ट्र के संत शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, बचपन से वैरागी स्वभाव था, और जब माता पिता ने कहा शादी करानी है, शादी के मंडप में बैठे और जैसे ही पंडित जी ने मंत्र कहा, कौन सा मंत्र, शुभ मंगल सावधान, उनको लगा ये सावधान क्यों कहा, अर्थात खतरा है, डेंजर, जरूर यहां पर डेंजर है, शादी के मंडप में कोई बहुत बड़ा खतरा है, और वहां से भागे फिर कभी लौट के नहीं आए। अवधान सावधान अटेंशन प्लीज, ये पहला पहरेदार। दूसरा चेकिंग, स्व निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म मंथन, अवलोकन, सिंहावलोकन, खुद ही को खुद देखना, मुझ में क्या कमियां हैं, कौन सी बातें अभी धारण करना बाकी है। तो ये दो पहरेदारों को तैनात करके रखना है, जहां पर भी सो दो पहरेदार होना चाहिए। जैसे दिखाया है गुजरात के प्रसिद्ध डाकू खुमान, खुकार डाकू कभी हुआ था, सारे लोग उससे कांपते थे। एक बार सो रहा है रात में और आवाजें आती है छन छन छन, वो देखता है कौन है, एक कन्या, एक स्त्री। वो कहता है क्या है, तलवार की तरफ, बंदूक की तरफ हाथ जाता है। वो कहती है मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, शादी करने आई हूं। वो उसको बहुत समझाता है पर वो नहीं मानती है। आखिर में बहुत मुश्किल से कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, जाओ यहां से, और उसको रवाना कराता है। उसके बाद डाकू खुमान कभी भी अकेला नहीं सोया, उसे और किसी का भय नहीं था, पर इन विकारों का भय था। इसके पहले, इसके बाद जब भी सोता था उसके दो पहरेदार पहरा देते थे रात भर, शत्रुओं के लिए नहीं, ये इस तरह की बाधा के लिए। हमें भी दो पहरेदार रखने हैं, अटेंशन और चेकिंग। आठवां पॉइंट, डबल लॉक। माया कब नहीं आएगी, जब तुम याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखना। केवल याद 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 नहीं, सेवा भी करनी है, सेवाओं में व्यस्त रहना है, नई नई सेवाओं की प्लानिंग बनानी है, हर दिन नया प्लान हो एक, आज क्या करूं, आज क्या करूं, आज क्या करूं, किसको जाकर संदेश दूं। मुरलियों में आता है तब तक भोजन नहीं करो जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुना दो। अगर नींद कर रहे हो और कोई आ जाए, अपनी नींद को त्याग कर भी पहले उसको अटेंड करो। अभी एक मास के अंदर मुरली में ये पॉइंट थी, सेवा। ब्राह्मणों का श्वास है, भगवान को प्रत्यक्ष करने का संकल्प, इस ज्ञान को सारे विश्व में प्रचार प्रसार करने का संकल्प, ये जीवन सेवा अर्थ समर्पित हो। एक तरफ सेवा और दूसरी तरफ याद, ये क्या करना है, डबल लॉक लगा के रखना है। नौवीं विधि, सीट, सीट पर सेट रहना है। सीट है स्वमान की, अगर तुम स्वमान की सीट पर, साक्षी भाव की सीट पर सेट रहो तो माया तुम्हारी कुर्सी के नीचे दबकर भस्म हो जाएगी। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, स्वमान की सीट पर सेट रहना है। लास्ट संडे की मुरली, तुम अमूल्य रतन हो, याद आई, तुम कौन हो, तुम अमूल्य रतन हो, तुम अलौकिक रतन हो, तुम नवरत्नों में से एक हो। ये प्राप्ति केवल संगम युग पर ही होती है और किसी युग पे नहीं होती है। देवताएं जो है वो दैवी संतान है, सेकंड नंबर का पार्ट है, तुम्हारा फर्स्ट नंबर का पार्ट है।
अक्षयोनी सेना एक तरफ, तुम एक तरफ, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। सुमान, अपने आप को याद दिलाना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसी मुरली में था, जितना तुम अपने आप को साधारण समझते हो, बाप तुम्हें बहुत अमूल्य समझते हैं, इसलिए बाप ने तुम्हें चुना। तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो। हमको किसने चुना? हमने चुना या उसने चुना? हमने उसको चुना कि उसने हमको चुना? हमने नहीं चुना। तो मंदिरों में कौन जा रहा था ढूंढने? किसने किसको ढूंढा? फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा? और हमने नहीं, गुरुओं के पास कौन गया था? मंदिरों में कौन जाता था? संतोषी माता की पूजा कौन करता था? व्रत उपवास, शिव नवरात्रि के उपवास, ये सब हमने किए। फिर भी हमको तो पता ही नहीं था कहां ढूंढना है। हमें किसने ढूंढा? उसने खुद ढूंढा। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। एक एक को मैंने तुमको उठाया है इस संसार की भीड़ से, क्योंकि तुम इस संसार के लिए नहीं, तुम मेरे लिए हो, मेरे कार्य के लिए हो। यू बिलोंग टू मी एंड नॉट टू द वर्ल्ड। उसी तरह भगवान ने भी हमको चुना है। वी आर गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड। लोग जिनको चुनते हैं वो कहां बैठते हैं? संसद में। और भगवान जिनको चुनते हैं वो कहां बैठते हैं? सत्संग में। यहां तो सीट पर सवार, सीट पर सेट रहना है, पावर रहती है सीट पर। सब डरते हैं जब साहब बैठे होते हैं ऑफिस में, चलते फिरते इतनी पावर नहीं होती है। जब वहां ऑफिस में बैठे हैं बॉस, तो थोड़ा डरते हैं कर्मचारी अंदर घुसने से। उसमें भी अगर बहुत तेज हो वो तो ज्यादा डरते हैं। हम भी अपनी सीट पर सेट रहे, मैं महान आत्मा हूं, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, त्रिकालदर्शी हूं, त्रिवेणी हूं। उस मुरली में था लास्ट संडे की। ये नहीं सोचो माया क्यों आई, कैसे आई, यहां से आई, वहां से आई, हरी है, पीली है, नीली है, क्या है। बात की गहराई में नहीं, बाप की ज्ञान की गहराई में जाओ। दसवीं विधि माया को जीतने की, पंख। सुबह कन्या कहां गई? सुबह वाली कन्या अक्षिता, डांस किया था ना, सभी को ऐसे पंख लगाने, पंख लगा के डांस किया था ना सुबह, तो वैसे पंख चाहिए। कौन से पंख? उमंग उत्साह के पंख। जितना अधिक उमंग उत्साह होगा, माया बिना कुछ किए ही धराशाही हो जाएगी। पंख लाना है। और ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह निरंतर कायम रहे, उसकी विधि क्या है? निरंतर ऐसी आत्माओं के संग रहना कि जो पुरुषार्थ के प्रति जागृत है। निरंतर उन आत्माओं के संग में रहना जो जिनको ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जिनको ज्ञान और योग में जीरो इंटरेस्ट है। अगर किसी के सामने ज्ञान की चर्चा करो तो उनको ज्ञान सुनाओ तो एलर्जिक रिएक्शन होती है, सीधे जबरदस्त एलर्जी हो जाती है, ज्ञान नहीं सुनना चाहते। बाकी जो बात करनी है करो। ऐसे ढेर सारे ब्राह्मण हैं जिनका इंटरेस्ट जीरो है ज्ञान योग में, उनका इंटरेस्ट केवल एक ही चीज में, सेवा। बस सेवा 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 करते रहो, सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ज्ञान योग जीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिंतन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या चिंतन करना है? आत्मा समझ बाप को याद करो बस, और करना ही क्या है? आज की मुरली में है सुबह ज्ञान भी चाहिए, केवल बाप को याद करने से कुछ नहीं होगा। अरे जो जिसको याद करते हो, जो सुनाता है, वो भी तो सुनो।
और कुछ कुछ बच्चे मगरूर हो जाते हैं, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। आज था ना सुबह, तो ऐसी 10 विधियां हैं। और क्या क्या करेंगे उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए? कुछ कुछ क्लासेस है, पुरानी क्लासेस, यज्ञ की, दादियों की, वरिष्ठ भाई बहनों की, उन क्लासेस को सुनते रहना, नोट्स निकालना, चिंतन करना, उसका और विस्तार करना, क्लासेस, बुक्स पढ़ते रहना ज्ञान योग की। सुबह कहा था ज्ञानामृत, जो लिख सकते हैं रोज एक टॉपिक पर लिखे। क्या करना है? रोज एक टॉपिक पर लिखना है। मधुबन में एक भाई है, रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालते हैं। जैसे आज की मुरली से 36 टॉपिक्स निकाले हैं चिंतन के लिए। सुबह की साकार मुरली, देह अभिमान की मगरूरी, हल्दी की घाट वाले पंसारी चूहे, ये टॉपिक्स है जिन पर चिंतन करना है। बाप टीचर सदगुरु की वंडरफुल याद, मुरली की अहमियत, भोजन करते याद की साधना, बाप की विचित्र महिमा, योग में माया की दखलंदाजी, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा, विश्व में शांति के लिए कॉन्फ्रेंस, बाप और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में अंतर, ईश्वर सर्वव्यापी में उलझी दुनिया, बाप बिगर सब ऑर्फन्स, काम कटारी से कटती आत्माएं, महावीर महावीरनियों की निशानी, पतित पावन ज्ञान गंगाएं, नास्तिक से आस्तिक बनने की पढ़ाई, भ्रष्टाचार में जकड़ा संसार, विकारों का महाप्रलय, बाप की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें। मुरली सुनते सुनते ही पॉइंट्स नहीं लिखिए, टॉपिक्स लिखिए। अब इन टॉपिक्स को सारे दिन भर एक टॉपिक लेकर उस पर चिंतन करना। भगवान की अनकॉमन पढ़ाई, रावण की आर्टिफिशियल बातें, आज की मुरली में है ना, ये है सच्ची बातें, वो है आर्टिफिशियल बातें। डिफरेंट ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आज की मुरली की लास्ट लाइन, ये डिफरेंट ज्ञान है। मेहनत से मुक्त अधिकारी आत्मा है, वरदानों की पालना में पलते बच्चे आज का वरदान में है। समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार, काम चिता के काले कोयले। क्या करना है? मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं रोज, पॉइंट्स बहुत लिख ली, टॉपिक्स लिखना है 5 रोज की मुरली से, और सारे दिन भर एक एक टॉपिक पर चिंतन करना है। चिंतन करना आसान है ना माता है, कि बहुत डिफिकल्ट है? आसान है कि कठिन है? आसान है कि कठिन है? आसान। कोई कहते हैं हमसे चिंतन वितन नहीं होता है, हम तो मत बताओ, हम जाएंगे क्लास में बैठेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और चलो भक्ति मार्ग कन रस, आहा हा बहुत अच्छा था क्लास, ज्यादा इधर दिमाग को स्ट्रेस नहीं चाहिए। हमसे चिंतन होता नहीं, होता नहीं। अगर कोई दूसरी माता आके कुछ कह दे, रात भर चिंतन चलेगा उसके बारे में, उसने मुझे ऐसा कहा, अब देखती हूं उसको, मेरे बेटे को ऐसा कहा, खुद के बेटे की तरफ ध्यान नहीं और हमारे बेटे की ऐसी करती है, देखती हूं रात भर चिंतन चिंतन चिंतन। एक पूरी किताब लिखी जा सकती है रात भर के चिंतन की, और ज्ञान का चिंतन ओहो ये नहीं होता। चिंतन की शक्ति हरेक में है, केवल दिशा को परिवर्तन करना है बस। तो ऐसी 10 विधियां है। पहली विधि बताई चक्र, चक्र से क्या कर देना है? माया का गला काट देना है। दिखाया है महाभारत में सांदीपनी का आश्रम, श्री कृष्ण अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं बलराम के पास साथ, अचानक परशुराम एक दिन वहां आ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं प्रणाम, तुमने मुझे, आप यहां कैसे आए? कृष्ण कहता है, परशुराम कहते हैं तुमने खुद मुझे बुलाया है, माखन बहुत खा लिया, बांसुरी बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, रास बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए थे, ये संभालो अपना सदर्शन चक्र और जाओ पहले मथुरा और उस जरासंघ को मारो। मुरलिया बहुत सुन ली, नोट्स
बहुत लिख लिए। कितनी डायरिया भरी है घर में मुरली होगी? कितनी है? कभी खोल के देखी क्या कोई? किसी ने खोल के नहीं देखी है। अब वो करो जो करने आए थे। तो सबसे पहली विधि चक्र, दूसरा मंत्र जप करना है, जैसे भक्त जप करते हैं। जगदीश भाई जी थे यज्ञ में, अंतिम समय बहुत बीमार थे, पेट की बीमारी थी, बिस्तर पर पड़े पड़े आईसीयू में ऐसा करते थे। लोग कहते थे भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है। दर्द नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये जप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दूसरा क्या बताया? मंत्र। तीसरा छत्र छाया, जाके राखे साई हमार सके ना कोई, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करना चाहता है। कितने ही हिरण्य कक्षु घूम रहे हैं, पर हम भी कोई प्रहलाद से कम नहीं है। कुछ नहीं होगा। मीरा को मारने का कितना प्रयत्न किया राणा उसके देवर ने, क्या कुछ नहीं किया। कभी सांप भेजा तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा दीवानी प्रभु प्रेम में। चौथी विधि आग, आग लानी है आग। जानवर घूम रहे हैं जंगली, भालू शेर, अंधेरी रात है, घटाटोप अंधकार है, मशाल हो प्यूरिटी की हाथ में। अगली वास धूप, धूप जला के रखनी है लगन की, माया नहीं आएगी। अगली बात किला, इस किले के अंदर रहना है, किले के बाहर और लगा माया का गोला। उसके बाद दो पहरेदार, कहां मिलेंगे ये? अटेंशन और चेकिंग रूपी दो पहरेदार लाने हैं, बट बहुत ज्यादा सैलरी है इनकी। पर रखने तो पड़ेंगे निरंतर अपने ऊपर ध्यान। अगली विधि डबल लॉक, वो है गोदरेज का लॉक, ये है गॉड का लॉक। कौन सा लॉक लगाना है? गॉड का लॉक। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, गॉड्स लॉक। उसके बाद सीट, अपनी सीट को नहीं छोड़ना है। कुर्सी को कोई छोड़ता है क्या इतनी आसानी से? नेता है छोड़ते हैं क्या? पकड़ के रखते हैं कुर्सी को। हमको भी नहीं छोड़ना है, अपनी सीट को पकड़ के रखना है। हमारी सीट है स्वमान की सीट, हमारी सीट है भगवान का दिल तख्त। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने पूछा था, बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? क्या उत्तर होगा? बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? क्या उत्तर है? जिन्होंने अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, वही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकता है, हृदय सिंहासन। और लास्ट विधि पंख, मुरलियों में आता है आत्मा के पंख कटे हैं, गिर पड़ी है। सोचो एक पंछी जिसके पर काट दिए हो और कैसे तड़पता है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, पंख काटे हैं माया ने। पंख फिर से जोड़ने हैं, उमंग में लाना है, उत्साह में लाना है, स्वयं को फिर से शक्ति से भरना है। फिर से जो पुरुषार्थ ठंडा हो गया था, ढीला हो गया था, रुक गया था, समाप्त हुआ था, उसको फिर से जागृति, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण निबोधत, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड।
जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचो रुकना ही नहीं है, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। तो याद रखेंगे सभी 10 विधियां। ओम शांति। योगी बनो शुभ संदेश।